नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। नाउ टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दिस विल बी द पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर। सो आइए इस चैप्टर की बेसिक्स के बारे में कुछ समझते हैं। सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी में इट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द WHO, WHO का मतलब है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन दे रखी है, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन व्हिच इज गिवन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज टोटल वेलबींग, टोटल वेलबींग इन ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इन ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ दीज आस्पेक्ट्स, जो आस्पेक्ट्स हैं, दीज आस्पेक्ट्स कुड बी, ये आस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं? दे कुड बी फिजिकल आस्पेक्ट, यस, दे मे बी इमोशनल आस्पेक्ट, दे मे बी आस्पेक्ट रिलेटेड टू बिहेवियर, सो बिहेवियरल आस्पेक्ट, और दे मे बी दी सोशल आस्पेक्ट, सोशल aspect. So we can say that a reproductively healthy society jo hogi wo all the sex related matters mein us society ke andar jo interaction hoga wo interaction healthy interaction hoga. Now before going ahead, aage chalne se pehle hum baat kar lete hain दो तीन और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। दैट इज, व्हाट इज डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, यस, डेमोग्राफी क्या है? इट इज द ब्रांच व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को हम कहेंगे डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन वी डू अंडर the branch demography. As we know, our population is increasing very fast. Hamari population bahut tezi se badh rahi hai. So this huge increase in our population, iske liye hum ek term use karte hain, that term is, kya naam hai us term ka? That is known as population explosion. So what is population explosion kya hai? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब हुआ, मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज ह्यूज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, दैट इज वी कैन से दैट इट इज पॉपुलेशन ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड देयर विल बी वेरी वेरी ह्यूज ग्रोथ and that growth will have negative impact on all the natural resources. In our NCRT, one name is being given. Ek naam de rakha hai NCRT ke andar. That is T.R. Malthus. T.R. Malthus. T.R. Malthus, he has studied the different aspects of the population and T.S. Malthus ne, inhone kya kaha? They said that the individuals, they reproduce at a fast rate. They said that individuals, they reproduce
एट अ फास्टर रेट, फास्टर रेट ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअल दे विल रिप्रोड्यूस एट अ फास्टर रेट एंड देयर नेचुरल रिसोर्सेस द natural resources grow or natural resources reproduce, reproduce matlab grow, reproduce at slower rate. So individuals reproduce at a faster rate, isko hum kahenge geometric growth. Whereas resources they are growing in a slow rate, उसको हम कहेंगे arithmetic rate, arithmetic growth. And as a result of this, इसके कारण क्या होगा? Competition will arise. Competition will arise. ऐसे होगा? Why? क्योंकि भाई पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन रिसोर्सेज जो है वो बहुत स्लोअर स्पीड से बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? There will be competition. Competition will arise. Right? Okay, so next हम देखते हैं what is over population. So there will be increase in population, huge increase होगा population के अंदर. If there is an increase in population, then what is happening? So there will be overpopulation. There will be overpopulation. Isn't it? Yes. Overpopulation को हम कहेंगे there will be increase in the number of organisms. ऑर्गेनिज्म का नंबर जो होगा वो बढ़ेगा. वेयर एज देयर विल बी डिक्रीज इन नेचुरल रिसोर्सेज में क्या होगा? डिक्रीज होगा. नाउ एफ पी पी की फुल फॉर्म क्या है? एफ पी पी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. FPP stands for 1951 में लॉन्च किया गया, इसको हम कहेंगे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. फैमिली प्लानिंग, यस FPP इज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लेटर ऑन इन्हीं प्रोग्राम्स को नाम दे दिया गया. देवर रीनेम्ड एज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. चाइल्ड हेल्थ केयर दैट इज RCH में इनको रीनेम कर दिया गया. So this is given in your NCRT. This name is very, very important. So in order to have a reproductively healthy society, sex education and sex awareness is very important. I think sabhi log agree karenge isme. Yes. So sex education. Education and awareness is very, very important. Yes. So this sex education and sex awareness regarding STDs and various other aspects of reproductive health, इसको spread out करने के लिए, right information देने के लिए government and various NGOs they should participate. There are different programs. Government is running, various NGOs they are helping. Parents can give that information.
एंड क्रिएट अवेयरनेस, क्लोज रिलेटिव्स, यस दे कैन ऑल्सो गाइड, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स भी दे सकते हैं इंफॉर्मेशन ये, ठीक है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, राइट, दैट राइट इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस एंड राइट सेक्स एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यू माइट हैव हर्ड अबाउट आवर स्लोगन, देखिएगा गवर्नमेंट स्लोगन्स आप देखे होंगे, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, दिस इज फॉर आवर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए, हम दो हमारे दो. वेरियस ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू हम अवेयरनेस स्प्रेड आउट कर सकते हैं. Newspapers, yes, newspaper, they can play very, very important role, yes. Advertisement, yes, they can also play very, very important role for this, right? So, we are talking about sex education. What is sex education? Aiyah, ek baar, let's discuss what is sex education. So, sex education, when we talk about sex education, then we can say that sex education should be introduced किसके लिए? For breaking myth. There are many myths and misconceptions. In our society, there are many myths and misconceptions regarding sex-related issues. And it is also important, sex education is also important for prevention from STDs, sexually transmitted diseases, and or you can say STIs, sexually transmitted infections se bachane ke liye bhi sex education bahut hi important hai, right? Apart from this, the information regarding different birth control methods, birth control methods के बारे में भी inform करना बहुत ही important है. So these are the methods, they should be introduced to various people so that they could not have unwanted child, right? To prevent unwanted pregnancies से बचने के लिए we should have the birth control methods का information होनी चाहिए society. Then other aspects for awareness के लिए इसके हम बात कर सकते हैं. In any society, when we discuss about any society, there are cases of sex abuse. Sex abuse and sex related crimes से क्या होता है? Sex related crimes make a society reproductively unhealthy. Society को क्या बना देंगे? Unhealthy बना देंगे.
अनहेल्दी बनाएंगे ये, ओके, दे विल मेक द सोसाइटी अनहेल्दी। ओके, देन रिसर्च एंड मेडिकल फैसिलिटीज की बात करते हैं हम। सो लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन हाउ टू मेक अवर सोसाइटी प्रोटी हेल्दी, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड फॉर दिस माइट हैव हर्ड अबाउट सहेली। व्हाट इज सहेली? वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द नॉन स्टीरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ये, राइट? इट वॉज डेवलप्ड बाय CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI लखनऊ ने इसको डेवलप किया है। तो इट इज द फर्स्ट non-steroidal contraceptive pills. We know that contraceptive pills, they are having steroids. Steroids, they have their own side effects. But Saheli is the non-steroidal contraceptive pills hai, jisko ki use kar sakte hain as a contraceptive method without having least side effect. Okay? So, lot of research is also required in this field. Right. Now, next important topic we will take up. Yes, the topic is PNDT. Okay, PNDT stands for prenatal diagnostic tests or techniques. Technique. So PNDT we can classify it as, इसको हम पहले बात करते हैं, इसको use क्यों करते हैं? This is to check the genetic disorder. To check the genetic disorders. Right? So, PNDT दो टाइप्स का हो सकता है ये, invasive methods and non-invasive methods. First, पहले हम किसकी बात करें? First हम बात करते हैं, लीजिए, invasive methods की बात करते हैं. First, sorry, invasive methods. PNDT कैसे किया जा सकता है? इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव मेथड से किया जा सकता है. इन्वेसिव का मतलब समझ रहे होंगे, इन्वेसिव का मतलब क्या है? इन्वेजन, देयर विल बी इन्वेजन ऑफ अ सिरिंज, ऑफ अ सिरिंज इनटू बॉम्ब, यूट्रस के अंदर, बॉम्ब के अंदर इन्वेजन किया जाएगा. इसको करने के लिए दो मेथड्स हम यूज कर सकते हैं. यस, फर्स्ट मेथड इज CVS. CVS स्टैंड्स फॉर कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग, और कोरियोनिक विली सैंपलिंग, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग, इसको बोलेंगे CBC. Now in this method, chorionic, you know, we have studied हमें ये पता है कि वॉर्म के अंदर फीटस, ये देखिए chorionic villi जो हैं वो कनेक्शन बनाती हैं मैटरनल टिश्यू के साथ, ऐसे फीटस ग्रो करता है तो दीज आर दी कोरियोनिक विलाइज, कोरियोन लेयर बनाएगी,
These are the chorionic villi or villi. Right. Now, ये जो sampling हम करते हैं ये 8 week का जो fetus होता है तो किया जा सकता है. So cells are scraped out from the chorionic villi. What we'll do? हम क्या करेंगे यहाँ पर? In this method, the cells are scraped out from the chorionic villi से cells को निकाल लिया जाएगा, उनको analyze कर लेंगे हम for any genetic disorders. That is known as chorionic villi sampling or CVC. Second method, invasive method में हमारा second method आ जाएगा, which is there in NCRT, amniocentesis. Amniocentesis. Yes, amniocentesis. इसमें हम क्या करते हैं? Suppose this is the ये embryo है. ऐसा समझते हैं हम लोग, एम्ब्रियो है ये. यस, और ठीक है, ये एम्ब्रियो के बाहर हमें पता है एमनियन लेयर के अंदर यहाँ पे क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है ये. दिस इज एमनियोटिक फ्लूइड, और यहाँ पे सेल्स होंगे. दिस इज एम नियोटिक फ्लूइड भरा है ये. यस, सो 15 टू 20 वीक किया जा सकता है ये. व्हाट विल डू हियर, विल टेक आउट दिस फ्लूइड. हम इस फ्लूइड को यहां से निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? वी विल टेक अ यस हाइपोडर्मल सिरिंज है ये, और हाइपोडर्मल सिरिंज से हम क्या करेंगे, फ्लूइड इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड. हम फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एंड दिस फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड इसका हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे फॉर एनी examination is being done by this hypodermal syringe. We are taking off amniotic fluids ko nikalenge hum, and then we are analyzing it for any possible disorder ke liye hum isko use kar sakte hain. So this is invasive methods mein do cheeze aa gayi hamare paas, CVC and amniocentesis. Right, now next, non invasive methods, let's discuss about, yes, let's discuss about non-invasive methods of PNDT. Non-invasive methods. दूसरा method आ जाएगा किसका? PNDT का. Okay. So here we will use USG. That we know, what is it? It is ultrasonography. Sonography. And the second method to use is AFP. So in the ultrasonography, what we are doing? क्या करते हैं हम लोग? Common है ये तो. Sound waves are used to make the image of embryo. Sound waves are used to make the image of embryo ki image banane ke liye sound wave ka use kiya jayega. AFP kya hai?
इट इज अल्फा, एफ फॉर फीटो, पी फॉर प्रोटीन, अल्फा फीटो प्रोटीन, अल्फा फीटो प्रोटीन। 14 टू 16 वीक का जब हमारा फीटस है तो उसमें एएफपी बनते हैं, अल्फा फीटो प्रोटीन्स, एंड दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर लिम्फ फॉर्मेशन। एएफपी इज इम्पॉर्टेंट फॉर लिम्फ फॉर्मेशन। किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? लिम्फ फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है अल्फा फीटो प्रोटीन। नाउ इफ कंसंट्रेशन ऑफ अल्फा फीटो प्रोटीन एएफपी इज लो एट 14 टू 16 वीक में हम चेक करेंगे, अगर लो है तो, और हायर इन अदर वीक्स, और हायर इन अदर वीक्स देन द फीटस, द फीटस कैन शो, फीटस क्या शो करेगा? मॉर्फोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज। क्या शो करेगा? मॉर्फोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज शो करेगा, राइट? सो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में एएफपीज का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? सो दीज आर दी टू मेथड्स। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टेकिंग अप पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की। प्लीज यहाँ तक रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर आपको चैनल अच्छा लगे प्लीज शेयर कीजिएगा चैनल को, और लाइक बटन को दबा दीजिएगा। आपको पता है बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने के लिए, सो प्लीज कीप ऑन लर्निंग और कीप ऑन रिवाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। Population stabilization. As we know that the population is increasing very fast, and if we talk about the world population, then in 1900 world population was 2 billion. It was the world population. Now this world population from 1900 to 2000 mein ye population jo thi, it has become 6 billion. And 2011 this population has become 7.2 billion. Now, if we talk about India, अगर हम इंडिया के perspective में बात करें, so 1947 the population of India was 350 million. Indian population. Now it has reached to 1 billion
in 2000 और 2011 में वी हैव क्रॉस्ड 1.2 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज बिकम राइट. सो अकॉर्डिंग टू द सेंसस रिपोर्ट, अगर हम सेंसस रिपोर्ट की बात करें, सो अकॉर्डिंग टू द सेंसस रिपोर्ट 2011 सेंसस रिपोर्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज लेस देन 2%. लेस देन 2% था पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. एज वी नो दैट व्हाट इज सेंसिस, अगर कोई हमसे पूछे सेंसिस क्या है, तो सेंसिस इज द हेड काउंटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स. ये हेड काउंटिंग करते हैं हम सेंसिस में. सेंसिस की अगर हम बात करें, व्हाट इज सेंसिस, सेंसिस को कैलकुलेट करने के लिए हेड काउंटिंग होती है. तो P2 माइनस P1 फॉर्मूला इसका, डिवाइड विद P1 मल्टीप्लाई विद इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई 100. सो इट विल बी दी पॉपुलेशन, फाइनल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी मल्टीप्लाई विद 100. सो पॉपुलेशन डेंसिटी, सो वी आर सेइंग इट इज लेस देन 2%. लेस देन 2% का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर हम बात करें लेस देन 2% का, सो लेस देन 2% मीन्स, मीनिंग है यहाँ पर, देखिए क्या मीनिंग है इसको समझिए आप. लेस देन 2% का मतलब क्या हुआ, 20 इंडिविजुअल्स 1000 की पॉपुलेशन में पर ईयर में ऐड हो रहे हैं. दैट इज अ ग्रोथ इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000. 20 मोर इंडिविजुअल जो है यहां पर इस पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं हर साल. So when we see that there is a sort of exponential growth in the population, so population mein growth bahut fast ho rahi hai, so what are the population growth indicators, population growth indicators kya hai, what are they, okay, let's talk about the population growth indicators. First indicator we'll talk about birth rate. Birth rate ko ek aur naam denge hum, what is the name, yes it is natality. Natality kya hai, total number of individuals born, total number of individuals born per capita. 1000 की population में कितने individuals born हुए हैं, it means high birth rate अगर होगा तो population भी क्या होगी, high population, population will also be high. Second indicator is death rate. Death rate is mortality, yes. Mortality को ऐसे define करेंगे हम. Mortality को define कैसे करेंगे बताएं सब बच्चे. Total number of individuals died, yes. Total number of individuals died per capita. So it means high death rate, there will population will be low population, population growth will be low, population will be less, right.
नेक्स्ट इंडिकेटर, थर्ड इंडिकेटर की हम बात करेंगे, दैट इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। किसकी बात करेंगे हम? यस, किसकी बात करेंगे? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की बात करेंगे। आइए बात करते हैं थर्ड, थर्ड इंडिकेटर इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। यस, नंबर ऑफ इन्फेंट डाइड, नंबर ऑफ इन्फेंट डाइड पर 1000 इंडिविजुअल्स पर कैपिटा, ओके। सो इन्फेंट को हम, हाउ टू डिफाइन इन्फेंट, इन्फेंट क्या होंगे? दे आर दी चाइल्ड और चिल्ड्रन लेस देन ऑफ 1 ईयर ऑफ एज, एक साल से लेस ईयर ऑफ एज, एक साल से कम ईयर वाला होगा उसको हम कहेंगे इन्फेंट। सो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, that will be infant mortality rate. Okay, next we'll talk about maternal mortality rate. Maternal mortality rate, yes, what is it? It is number of mothers died per capita, died per 1000 individuals, 1000 individuals due to pregnancy, right? That is the maternal mortality rate. Now, इसमें से एक क्वेश्चन अगर हम देखें तो हम किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए, we talk about a question. अगर हमसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन, देखिए हमारे पास कैसे होगा, अगर हमसे कोई ये पूछता है Which of the following does not cause population explosion? Which of the following following does not cause population explosion? आपके पास ऑप्शन है decline in death rate, yes. B ऑप्शन आपके पास है decline in maternal mortality rate, yes. Third option आपके पास है decline in infant mortality rate. D option आपके पास है decline in birth rate, yes, birth rate. क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? ओके, इफ देयर इज डिक्लाइन इन डेथ रेट तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर ओके राइट, बिकॉज इफ देयर इज अ डिक्लाइन इन डेथ रेट में अगर डिक्लाइन होता है तो पॉपुलेशन विल इंक्रीज, डज नॉट कॉज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन विल इंक्रीज, यस. सेकेंड ऑप्शन है आपके पास, दैट इज
डिक्लाइन इन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, डिक्लाइन इन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, अगर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट डिक्लाइन होती है, देयर इज डिक्लाइन इन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, अगर डिक्लाइन कर जाती है, सो व्हाट विल हैपन, क्या हो सकता है बताएंगे सोच करके मुझे, अगर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में डिक्लाइन आता है, कम होता है, देन ऑल्सो पॉपुलेशन विल इंक्रीज। ओके, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट अगर डिक्लाइन होता है किसमें, इफ देयर इज डिक्लाइन इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में डिक्लाइन होता है, कम होती है, देन ऑल्सो पॉपुलेशन विल इंक्रीज। नाउ डिक्लाइन इन बर्थ रेट, अगर बर्थ रेट में डिक्लाइन हो रहा है, सो पॉपुलेशन भी क्या करेगी, पॉपुलेशन विल ऑल्सो डिक्लाइन। सो आपका ऑप्शन क्या आएगा, दिस डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, राइट। इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं आप इस तरह से क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट विल टेकिंग अप द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, अगले नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द पॉपुलेशन विल टॉक अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। Yes, FPP. FPP is family planning program family planning program later on इन्हीं programs को नाम दे दिया गया, they were renamed as renamed as reproductive and child health care, child health care that is RCH में इनको रीनेम कर दिया गया। सो दिस इज गिवन इन यू एनसीईआरटी, दिस नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन ऑर्डर टू हैव रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, sex education and sex awareness is very important. I think सभी लोग agree करेंगे इसमें, yes. So sex education and awareness is very very important, yes. So this sex education and sex awareness regarding STDs and various other aspects of reproductive health, इसको spread out करने के लिए, right information देने के लिए government and various NGOs they should participate. There are different programs government is running, various NGOs they are helping. Parents can give that information and create awareness. Close relatives, yes, they can also guide. Friends भी दे सकते हैं information ये, ठीक है, brothers and sisters, right? That right information and awareness and right sex education is very very important, बहुत ही important. You might have heard about our slogan. देखिएगा गवर्नमेंट स्लोगन्स आप देखे होंगे, हम दो हमारे दो, दिस इज फॉर आवर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए, हम दो हमारे दो। वेरियस ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू हम अवेयरनेस स्प्रेड आउट कर सकते हैं। Newspapers, yes, newspaper they can play very very important role, yes. Advertisement, yes, they can also play very very important role for this, right? So we are talking about sex education. What is sex education? आइए एक बार let's discuss what is sex education. So
सेक्स एजुकेशन व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्स एजुकेशन देन वी कैन से दैट सेक्स एजुकेशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड किसके लिए फॉर ब्रेकिंग myth. There are many myths and misconceptions. In our society, there are many myths and misconceptions regarding sex-related issues. And it is also important, sex education is also important for prevention from STDs, sexually transmitted diseases, and or you can say STIs, sexually transmitted infections से बचाने के लिए भी sex education बहुत ही important है, right? Apart from this, the information regarding different birth control methods के बारे में भी inform करना बहुत ही important है. So these are the methods they should be introduced to various people so that they could not have unwanted child, right? It is to prevent unwanted pregnancies से बचने के लिए we should have the birth control methods का information होनी चाहिए society. Then other aspects for awareness के लिए इसके हम बात कर सकते हैं. In any society, when we discuss about any society, there are cases of sex abuse. Okay, sex abuse and sex related crimes से क्या होता है? Sex abuse and sex related crimes, what they will do? Sex related crimes make our society रिप्रोडक्टिवली अनहेल्दी. सोसाइटी को क्या बना देंगे? अनहेल्दी बना देंगे. ओके, दे विल मेक द सोसाइटी अनहेल्दी. ओके, देन Research and medical facilities की बात करते हैं हम. So lot of research is going on how to make our society pretty healthy, contraceptive method, etc. And for this might have heard about Saheli. What is Saheli? Very important. It is the non-steroidal contraceptive pill. Right? It was developed by CDRI Lucknow, Central Drug Research Institute. CDRI Lucknow has developed kiya hai. So it is the first non-steroidal contraceptive pills. We know that contraceptive pills, they are having steroids. Steroids, they have their own side effects. But Saheli is the non-steroidal contraceptive pills hai, jisko ki use kar sakte hain.
as a contraceptive method without having least side effect. Okay, so lot of research is also required in this field. Right. Now, next important topic we will take up. Yes, that topic is PNDT. Okay, PNDT stands for prenatal diagnostic tests or techniques. Technique. So PNDT, we can classify it as इसको हम पहले बात करते हैं, इसको यूज क्यों करते हैं. दिस इज टू चेक द जेनेटिक डिसऑर्डर, टू चेक द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, राइट. सो पीएनडीटी दो टाइप्स का हो सकता है, ये इन्वेंसिव मेथड्स एंड नॉन इन्वेंसिव मेथड्स. फर्स्ट पहले हम किसकी बात करें, फर्स्ट हम बात करते हैं लीजिए इन्वेंसिव मेथड्स की बात करते हैं. फर्स्ट सॉरी इन्वेसिव मेथड्स. पीएनडीटी कैसे किया जा सकता है, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव मेथड से किया जा सकता है. इन्वेसिव का मतलब आप समझ रहे होंगे, इन्वेसिव का मतलब क्या है, इन्वेजन. There will be invasion of a syringe, into womb. Uterus के अंदर, womb के अंदर invasion किया जाएगा. इसको करने के लिए दो methods हम use कर सकते हैं. Yes, first method is CVS. CVS stands for chorionic villi sampling or chorionic villi sampling. Chorionic villi sampling. इसको बोलेंगे CBC. Now in this method, chorionic, you know, we have studied हमें ये पता है कि वॉर्म के अंदर फीटस, ये देखिए कॉरियोनिक विलाई जो हैं वो कनेक्शन बनाती हैं मैटरनल टिश्यू के साथ. ऐसे फीटस ग्रो करता है तो दीज आर दी कॉरियोनिक विलाइज, कॉरियन लेयर बनाएगी. These are the chorionic villi or villi, right? Now, ये जो sampling हम करते हैं, ये 8 week का जो fetus होता है, तो किया जा सकता है. So cells are scraped out from the chorionic villi. What we'll do? हम क्या करेंगे यहाँ पर? In this method. The cells are scraped out from the chorionic villi. से cells को निकाल लिया जाएगा, उनको analyze कर लेंगे हम for any genetic disorders. That is known as chorionic villi sampling or CVC. Second method, invasive method में हमारा second method आ जाएगा, which is there in NCRT, amniocentesis. Yes, amniocentesis. इसमें हम क्या करते हैं, suppose this is the, ये embryo है,
इसको ऐसा समझते हैं हम लोग, एम्ब्रियो है ये, यस। और ठीक है, ये एम्ब्रियो के बाहर हमें पता है एम्ब्रियन लेयर के अंदर यहाँ पे क्या है, एम्ब्रियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है ये, दिस इज एम्ब्रियोटिक फ्लूइड, और यहाँ पे सेल्स होंगे, दिस इज एम्ब्रियोटिक फ्लूइड भरा है ये, यस। सो 15 टू 20 वीक किया जा सकता है ये। व्हाट विल डू हियर, विल टेक आउट दिस फ्लूइड, हम इस फ्लूइड को यहां से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वी विल टेक अ, यस, हाइपोडर्मल सिरिंज है ये, और हाइपोडर्मल सिरिंज से हम क्या करेंगे, फ्लूइड इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड, हम फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एंड दिस फ्लूइड एम्ब्रियोटिक फ्लूइड इसका हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, फॉर एनी एग्जामिनेशन इज बीइंग डन बाय दिस हाइपोडर्मल सिरिंज, वी आर टेकिंग एम्ब्रियोटिक फ्लूइड्स को निकालेंगे हम, एंड देन वी आर एनालाइजिंग इट फॉर एनी पॉसिबल डिसऑर्डर के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज इन्वेजिव मेथड में दो चीजें आ गई हमारे पास, सीवीसी एंड एमनियोसेंटेसिस, राइट। नाउ नेक्स्ट, नॉन इन्वेसिव मेथड्स, लेट्स डिस्कस अबाउट, यस, लेट्स डिस्कस अबाउट नॉन इन्वेसिव मेथड्स ऑफ पीएनडीटी, नॉन इन्वेसिव मेथड्स। दूसरा मेथड आ जाएगा किसका, पीएनडीटी का, पीएनडीटी का, ओके। सो हियर वी विल यूज यूएसजी, दैट वी नो व्हाट इज इट, इट इज अल्ट्रा सोनोग्राफी, sonography, and the second method to use is AFP. So in the ultrasonography what we are doing, क्या करते हैं हम लोग, common है ये तो, sound waves are used to make the image of embryo, sound waves are used to make the image of embryo, की इमेज बनाने के लिए साउंड वेव का यूज किया जाएगा। AFP क्या है, इट इज अल्फा, एफ फॉर फीटो, P for protein, alpha feto protein, alpha feto protein, 14 to 16 week का जब हमारा fetus है तो उसमें AFP बनते हैं, alpha feto proteins, and they are important for lymph formation. AFP is important for lymph formation. किसके लिए important है, lymph formation के लिए important है अल्फा फीटो प्रोटीन। नाउ इफ कंसंट्रेशन ऑफ अल्फा फीटो प्रोटीन एएफपी इज लो एट 14 टू 16 वीक में हम चेक करेंगे, अगर लो है तो, और हायर इन अदर वीक्स, higher in other weeks than the fetus, the fetus
कैन शो, फीटस क्या शो करेगा? मॉर्फोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज, क्या शो करेगा? मॉर्फोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज शो करेगा, राइट? सो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में AFTs का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? सो दीज आर दी टू मेथड्स. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टेकिंग अप पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन. नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की. प्लीज यहाँ तक रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर आपको चैनल अच्छा लगे प्लीज शेयर कीजिएगा चैनल को, और लाइक बटन को दबा दीजिएगा. आपको पता है बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने के लिए. सो प्लीज कीप ऑन लर्निंग और कीप ऑन रिवाइजिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.